तीन हफ्तों से जल रहा धरती का फेफड़ा, सुलग रहा 20% ऑक्सीजन देने वाला जंगल, 10 साल बाद अमेज़न के जंगलों में लगी इतनी बड़ी आग, दक्षिणी अमेरिका के तटों तक पहुंच रहा है जहरीला धुआं, दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों के आसमान पर छाया जहरीला धुआं। समूची दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाला अमेज़न का जंगल 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैला चुका है। हार्ट ऑफ ऑक्सीजन कहे जाने वाला ये जंगल सुलग रहा है, धधक रहा है। दरअसल दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट और दुनिया के फेफड़े के नाम से मशहूर अमेज़न के जंगल में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग की भयावता का अंदाजा इससे मचने वाली तबाही से लगाया जा सकता है। अमेज़न के जंगलों में लगी इस आग से ब्राजील का 2700 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पिछले 1 दशक में पहली बार अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में इतनी भीषण आग लगी है। विश्व स्तर पर इस आग को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। ब्राजील के ऊपरी हिस्से में मौजूद कई राज्य इस आग से बुरी तरह से प्रभावित हैं। ब्राजील में इस आग को लेकर आपातकाल की घोषणा तक कर दी गई है। इस आग के निकलने वाले धुएं का असर दक्षिणी अमेरिका के 9 देशों में देखने को मिल रहा है। अमेज़न के जंगलों में आग की कुछ तस्वीरें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा की सैटेलाइट ने भी ली है। नासा का कहना है कि ये धुआं अटलांटिक तटों तक फैल रहा है। आग से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। यहाँ 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधे और 25,00,000 से ज्यादा कीड़ों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगलों में लगी आग इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी खतरे का सबब बन रही है। आग का सबसे दिल दहलाने वाला मंजर तब सामने आया जब जंगल में रह रहे जानवरों की लाशें दिखी। जानवरों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमेज़न के जंगलों में लगी ये आग दुनिया के लिए रेड सिग्नल से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।